हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो वैसे नेशनल इनकम का पार्ट थ्री है। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करेंगे। स्टॉक एंड फ्लो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर सेक्टरल फ्लो, उसको डिस्कस करें। उससे पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूँ कि हम लोग 100% हमारे CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, और कुछ बुक्स में एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट का भी टॉपिक दे रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो ये ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट हमारे सिलेबस का एज सच पार्ट नहीं है, और वैसे भी ये टॉपिक जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे, जब हम मेथड्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक एक्सपेंडिचर मेथड आएगा, और वहां पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हाल फिलहाल हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, या हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंटर सेक्टरल फ्लो। देखो, सबसे पहले क्लियर कर लें, किसी भी इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं। पहला कौन है? हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनके बीच में जब पैसे का मूवमेंट होता है तो उसे हम टेक्निकली इंटर सेक्टरल फ्लो कहते हैं। वैसे इंटर सेक्टरल फ्लो दो तरीके का होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। और इस फ्लो के कारण ही इनकम जनरेट होती है, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो पाते हैं। देखो, हम पहले रियल फ्लो को समझते हैं। वैसे हम लोगों ने चार सेक्टर पढ़े, चारों सेक्टर आपको क्लियर होंगे, ये रहे वो चारों सेक्टर, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर का फ्लो ही हमें डिस्कस करना है। तो हाल फिलहाल हम सिर्फ फर्स्ट टू सेक्टर्स की बात करेंगे, जिनका नाम है एक तो हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। तो भैया, एक तरफ हाउस होल्ड, एक तरफ फर्म है। अब फर्म किससे बनती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, बाय लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं फर्म। यानी फर्म बनने के लिए एक ऑनर होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, एम्प्लॉयज होना चाहिए, उन सबको मिलाकर फर्म बनेगी। तो किसी भी फर्म में जो ऑनर है वो अल्टीमेटली हाउस होल्ड है, जो लेबर है वो अल्टीमेटली हाउस होल्ड है, जो कैपिटल है, पैसा है, वो किसने प्रोवाइड कराया? हाउस होल्ड ने। जो बिल्डिंग है उसका मालिक कौन होगा? कोई हाउस होल्ड होगा। यानी फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दैट मीन्स फैक्टर्स, सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है? हाउस होल्ड। और फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो किए फाइनली किसको बेचती है? हाउस होल्ड्स को। तो हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है, और फर्म में उन फैक्टर्स के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और फाइनली वो गुड्स एंड सर्विस कहाँ चले जाते हैं? हाउस होल्ड के पास। इससे हम कहते हैं रियल फ्लो। ये जो भी हमने देखा, ये क्या है? रियल फ्लो। हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रियल फ्लो। देखो, वापस क्लियर करो, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर सेक्टरल फ्लो, चार सेक्टर होते हैं, चार में से हमारे सिलेबस में कितने हैं? सिर्फ टू सेक्टर फ्लो की बात करनी है। टू सेक्टर कौन कौन सा? फर्स्ट सेक्टर होता है हाउस होल्ड, और सेकेंड सेक्टर होता है फर्म। ये सिक्वेंस में चलता है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी सीक्वेंस में रहेगा। तो जब टू सेक्टर की बात करेगा तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेक्टर, हमने दोनों सेक्टर ले लिए। इन दोनों सेक्टर के बीच में हम अभी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर देख रहे हैं, कहां से क्या गुड्स जा रहा है, आ रहा है, सर्विस जा रही है, आ रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। हम पैसों की बात नहीं कर रहे। हाँ, ऑब्वियसली जब कभी रियल फ्लो होगा तो उसके अगेंस्ट में मनी फ्लो भी होगा। अगर हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा फर्म को, तो बदले में फर्म फैक्टर पेमेंट देगी हाउस होल्ड को। यानी अगर हाउस होल्ड एज ए एंटरप्रेन्योर फर्म में आता है, तो वापस फर्म उस हाउस होल्ड को, उस एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगी। अगर कोई हाउस होल्ड कैपिटल इन्वेस्ट करता है फर्म के अंदर, तो फर्म उसके बदले में इंटरेस्ट देगा, लेबर काम करता है तो उसके बदले में सैलरी देगा। तो फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरीज, ये सब कौन देगा? फर्म। किसको? हाउस होल्ड को। सिमिलरली जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा हाउस होल्ड को, तो ऑब्वियसली फ्री में थोड़ी कराएगा, हाउस होल्ड हैव टू पे फॉर इट। तो हाउस होल्ड इसके बदले में क्या करेंगे? पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, या एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और ये पेमेंट हाउस होल्ड की जेब से निकलेगा और कहाँ आएगा? फर्म के पास। ये जो अंदर वाली दोनों लाइनें हैं, ये जो रेड कलर की हमने लाइन्स बनाई दोनों अंदर वाली, ये है रियल फ्लो। और बाहर वाली जो लाइन्स है, आउटर लाइन्स, जो हमने ब्लैक कलर में बनाई है, वो कौन सी है? मनी फ्लो। रियल फ्लो, मनी फ्लो के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखें। एक तो दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। यानी अगर हाउस होल्ड से फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज आएगी, तो फर्म से हाउस होल्ड के पास फैक्टर पेमेंट जाएगा। यानी रियल फ्लो अगर इधर की तरफ है, तो मनी फ्लो उस तरफ जा रहा है। रियल फ्लो, मनी फ्लो का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है।
अगर आप किसी शॉप पर गए और मान लो आपने एक यमी सा पिज़्ज़ा परचेज़ किया, ये 200 का पिज़्ज़ा है सपोज़, चीज़ भी है इसमें, इसमें पनीर भी है, बहुत डिलीशियस पिज़्ज़ा है और ये 200 का मान लेते हैं अपन। तो अगर आप ये 200 का पिज़्ज़ा परचेज़ करोगे तो यू हैव टू पे 200 फॉर दैट पिज़्ज़ा। अगर फर्म से हाउस होल्ड के पास 200 का गुड्स आएगा, पिज़्ज़ा आएगा, तो हाउस होल्ड से फर्म के पास वापस 200 जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी फर्म और हाउस होल्ड जब कभी आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर गुड्स इधर जा रहा है तो मनी इधर जाएगा, अगर सर्विस इधर जा रही है तो मनी इधर जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा रियल फ्लो और मनी फ्लो हाउस होल्डर फर्म के बीच में, और उनकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। अगर 50 रुपीज़ का पिज़्ज़ा फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है तो 50 रुपीज़ हाउस होल्ड से फर्म के पास जाएंगे। 50 में तो पिज़्ज़ा नहीं, वो बर्गर आ सकता है ना, तो अपन यहाँ 50 वाले में बर्गर रिप्लेस कर देते हैं और 200 वाला हमारा पिज़्ज़ा था। इसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय 1 महीना काम करता है, मेहनत करता है, 20,000 रुपीज़ की मेहनत करता है फर्म के लिए, तो फर्म बदले में उसको 20,000 पे करेगी। तो मेहनत की वैल्यू कितनी? उतनी जितना पेमेंट किया जा रहा है। तो वापस क्लियर कर लें, इंटर सेक्टर फ्लो में 4 सेक्टर के बीच में फ्लो की बात की जाती है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर की बात कर रखी है। अगर कोई स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, किसी बुक में लिखा हुआ 3 और 4 सेक्टर, तो एक बार प्लीज मैं आपको इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक है सीबीएसई का, आप चेक कर लें, क्लियरली लिखा हुआ है 2 सेक्टर हमारे सिलेबस में होगा। हाल फिलहाल 3 सेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, 4 सेक्टर सिलेबस में नहीं है, और कभी हुआ तो मैं उसके एडिशनल वीडियोज बना के आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और 2 सेक्टर के अंदर हम किस किस की बात कर रहे हैं? हाउस होल्डर फर्म की। हाउस होल्डर फर्म के बीच में जो फ्लो होता है वो 2 तरीके का होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो की 2 इंपॉर्टेंट बातें, डायरेक्शन अपोजिट होगा और वैल्यू सेम होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस पसंद आते हैं आपको हमारे तो प्लीज लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले करें। हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, BST, CA इंटर के वीडियोस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स, फिजिकल एजुकेशन वगैरह, हमने सब कुछ डाल रखा है। आप एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट देखें, आपके काम के कुछ और सब्जेक्ट्स आपको वहाँ मिल सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको मज़ा आएगा। मैं महादेव बाहेती, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।